अब जो सरकार बनी है क्या वो मुद्दे अब शिवसेना और बीजेपी की सरकार वो मुद्दे उठा रही है खास करके मैं हिंदुत्व के बारे में बोलूंगी कि क्योंकि उस इशू पर बहुत आप भी बोलते हैं शिंदे जी भी बोलते हैं कि उद्धव हैज बिट्रेड द हिंदुत्व कॉज तो क्या अब द शि, न्यू शिवसेना और द रियल शिवसेना आप जो भी आप कहें हैव दे पिक्ट अप दैट कॉज जो पहले बाड़ा साहब के टाइम में हमने देखा था क्या वही कॉजेस हैं अब हमारे लिए हिंदुत्व तो क्या है अवर हिंदुत्व इज नॉट एंटी मुस्लिम और एंटी एनी कम्युनिटी हमारा हिंदुत्व है एंटी अपीजमेंट किसी का अपीजमेंट मत कीजिए लेट ऑल बी वन और माइनॉरिटीज को भी पढ़ने का हक है नौकरी करने का हक है उनके लिए भी व्यवस्था खड़ी कीजिए लेकिन वोट बैंक की राजनीति मत कीजिए क्योंकि अपीजमेंट की पॉलिसी से देश का एक बार विभाजन हम कर चुके हैं हम जब नाजायज मांगों के आगे अपना सिर झुकाते हैं तो देश का विभाजन होता है हमने देखा है और उद्धव जी का क्या हो गया देखिए कि वे भी इस अपीजमेंट पॉलिटिक्स में चले गए तो कैसे चले गए तो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाड़ा ठाकरे का हिंदू हृदय सम्राट पहले हटा दिया गया उसके बाद शिवसेना के इतिहास में पहली बार उर्दू में कैलेंडर छपा और उस पर जनाब बाड़ा साहेब ठाकरे लिखा गया देखिए बहुत छोटी बात है नहीं नहीं छोटी बात नहीं है जिसने शिवसेना देखी है और जो शिवसेना को जानता है उसके लिए बहुत बड़ी बात है ये ये, ये वोट के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है देखिए सवाल ये नहीं मेचोरिटी आ गई की सेक्युलरिज्म जी मेच्योरिटी आई तो कुछ करके दिखाइए योजना तो आपने नहीं की कोई कोई योजना बनाई आपने मुस्लिमों की पढ़ाई के लिए योजना बनाई नहीं बनाई आपने आपने क्या किया अपीजमेंट की पॉलिसी शुरू कर दी अभी मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी ने कॉमन सिविल कोड की बात की तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले अखिलेश यादव के पास पहले नहीं गए लालू प्रसाद यादव जी के पास पहले नहीं गए ममता जी के पास पहले नहीं गए वो सबसे पहले जी को मिलने आए क्योंकि एक नया सुडो सेक्युलर आउटफिट उनको जी में दिखता है इसलिए उनके पास वो आए हैं तो आप बात को समझिए ये बहुत बात जितनी सतह पर दिखती है वैसी नहीं है नहीं मैं एक सवाल जरूर पूछूंगी कि बाड़ा साहब जो है वो एक हिंदुत्व उनकी आइडियोलॉजी थी लेकिन वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं उतरे जब उद्धव की बात आती तो वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतर गए तो शायद वो हिंदुत्व का जो एक आ, एक वोट बैंक था वो तो बीजेपी की तरफ आ ही रहा था तो फिर ही हैज टू काव आउट न्यू आई एम जस्ट सेइंग नहीं यू आर एब्सोल्युटली राइट आई थैंक यू यू दैट ब्रॉट परफेक्ट थिंग देखिए हमको ये बिल्कुल ध्यान में आता है ऐसा है कि आज महाराष्ट्र या मुंबई में हम देखें और विशेष रूप से मुंबई में तो अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में हम दोनों अलायंस में होते थे और साधारणतः नॉन मराठी वोट और मराठी वोट इसमें नॉन मराठी का मेजॉरिटी वोट बीजेपी के कारण उनको मिलता था मराठी वोट उनके साथ में था इसके कारण उनको एक फ़ायदा मिलता था बीजेपी के अलग होने से नॉन मराठी वोट में वो उतने पॉपुलर नहीं है और मराठी वोट बीजेपी के साथ है क्योंकि मराठी वोट ये हिंदुत्ववादी वोट भी है तो उनके ये ध्यान में आया कि देर इज अ डेफिसिट क्योंकि कांग्रेस भी तो घट गई ना तो उनका उनके ध्यान में आया कि देर इज अ डेफिसिट तो ये डेफिसिट कहाँ से भर के निकाल सकते हैं तो उनके ध्यान में आया कि ये डेफिसिट माइनॉरिटी वोट से निकाल सकते हैं और फिर माइनॉरिटी वोट मिलेगा कैसा तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स से उसके सिवा तो िटी वोट नहीं मिलेगा अभी इतने जल्दी तो उनकी तरफ शिफ्ट नहीं होगा दैट इज वाई ही स्टार्टेड अपीजमेंट इट इज इट इज प्योरली पोलिटिकल इलेक्टोरल प्योरली इलेक्ट्रोल